पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए जितेंद्र सिंह संटी को निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनने से नहीं रोक पाए पूर्वी दिल्ली के महापौर। पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी को ब्रांड एम्बेसडर बनने पर महापौर ने आपत्ति जताते हुए निगमायुक्त को पत्र लिखा था। आपसी गुटबाजी का परिणाम है ये प्रकरण। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जब लोग इसमें मरने वाले अपने परिजनों के शवों को हाथ लगाने से भी डर रहे थे, ऐसे में सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख जितेंद्र सिंह शंटी को भले ही केंद्र सरकार ने सल्यूट करते हुए पद्मश्री से नवाजा हो, लेकिन उनके ही पार्टी की पूर्वी दिल्ली में शासित निगम उन्हें अपमानित करने में लग गई है। आधिकारिक रूप से मंगलवार को उन्हें निगम का ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने की बात कही थी, लेकिन आज महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद इस मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्वी निगम ने समाज सेवी और शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की थी। सर्वेक्षण में ब्रांड एम्बेसडर को लेकर भी पॉइंट दिए जाते हैं, यह तीनों निगमों को करना है, लेकिन फिलहाल पूर्वी निगम ने इसमें बाजी मार ली है। पूर्वी निगम के मुख्य अभियंता दिलीप रामनानी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस खबर के सामने आते ही पूर्वी दिल्ली में जितेंद्र सिंह शंटी विरोधी भाजपा पार्षदों व अन्य स्थानीय नेताओं का एक खेमा सक्रिय हो गया। इन नेताओं ने कहा कि निगम ने यह फैसला चुने हुए जनप्रतिनिधियों व महापौर की जानकारी में ना डालते हुए कैसे ले लिया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही थी कि कुछ पार्षदों ने कहा कि अगर जितेंद्र सिंह शंटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। निगम यदि किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है तो उसे इस मामले में पहले सहमति बनानी चाहिए थी। अपने नेताओं की आपत्ति के बाद महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा और उनके पास एक वीडियो आई है जिसमें जितेंद्र सिंह शंटी निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। ऐसे मामलों में हम लोगों से भी राय लेनी चाहिए क्योंकि हम सीधे जनता से जुड़े हैं। गौरतलब है कि शंटी भाजपा अकाली दल गठबंधन के चलते भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा निगम पार्षद भी रहे हैं। माना जा रहा है कि शंटी का स्थानीय भाजपा नेताओं में 36 का आंकड़ा है और यह विवाद उसी का परिणाम है। वहीं जब जितेंद्र सिंह शंटी से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं है कि महापौर ने ऐसा कोई पत्र लिखकर कहा है कि मुझे निगम का ब्रांड एम्बेसडर ना बनाया जाए। और शंटी ने यह भी कहा कि मुझे इस पद पर कोई लालच नहीं है, अगर मुझे कहेंगे कि आप इस पद को छोड़ दो तो मैं तुरंत इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। संटी जी, जिस तरह से कोरोना काल में आपने गरीबों लोगों की जिस तरह से सेवा की, उसके बाद केंद्र सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है और अब उसी के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2022 के लिए अपना एम्बेसडर के रूप में बनाया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवाओं को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया, क्योंकि अवार्ड जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं मिला है, इसमें मेरे वॉरियर्स, मेरे ड्राइवर्स, मेरे बच्चे सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब जब मुझे EDMC से कॉल आती है कि हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी आप पूरी मुझे मेल करके समझाइए ये ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है, सेवाएँ क्या हैं। तो उन्होंने उसमें हमको जवाब दिया कि ऐसे ऐसे आपको एक साल के लिए पहले, और उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और आपने स्वच्छता अभियान का प्रचार करना है। तो मैंने कहा ये तो अच्छा काम है, देश का काम है, बनेगा स्वच्छ इंडिया के तहत। और मैंने भी अपनी कंसेंट दे दी और मुझे लेटर मिल गया और उस सेवा को करने के लिए हम तैयार हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के जो मेयर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल, उन्होंने एक लेटर जारी करके उसमें कहा है कि जो संडी जी हैं इन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एम्बेसडर ना बनाया जाए। देखिए, मेरे जहन में ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। उनके अधिकार क्षेत्र में कमिश्नर साहब हैं, मेयर साहब हैं, नहीं चाहते तो हटा दें, कोई बात नहीं। हमने तो इसमें कोई पैसा तो लेना नहीं है, कोई कार्यालय नहीं लेना है, कोई गाड़ी नहीं लेनी है, कोई पद का लाभ नहीं लेना है, करनी है सेवा, फिर दाम कैसा, फिर फालतू की शोहरत किस बात की। कल क्या हटाते, आज हटा दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की। और हटाना क्या है, मुझे जिस दिन वो कहेंगे मैं रिजाइन दे दूँगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं है, आपसे सुन रहा हूँ मैं, मेरे पास ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। और ये सेवा के काम में शहीद भगत सिंह सेवा दल 26 साल से हम सेवा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। स्वच्छता अभियान जो है ये देश का अभियान है, और इसमें अगर मैं कुछ कहता हूँ या लोगों को अवेयर करता हूँ, मेरा नैतिक फ़र्ज बनता है, तो मैं वैसे भी करता हूँ ये काम। और जो मुझे ये सेवा सौंपी है मैं डट के करूँगा, जब चाहे 24 घंटे पहले कह के मेरे से अधिकार इसका वापस ले सकते हैं।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।